टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन क्या चीज़ है? फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स, जिसका जनरल फार्मूला क्या है? PnX2(N). इसमें X आपका कोई भी हैलाइड हो सकता है, एस थायोसाइनाइड, Na2CH3C6H5, ऐसे कोई भी कंपाउंड हो फॉस्फोनाइट्रिलिक की फैमिली के होंगे। यहाँ पर बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फॉस्फाजीन अभी हमने स्टडी नहीं किया। ग्रेजुअली पॉलीमराइजेशन अकर्ड विद द लॉस ऑफ अमोनिया टू यील्ड फॉस्फम अ पूरली करेक्टराइज सॉलिड ऑफ अप्रॉक्सीमेट फार्मूला दिस। जब हम फॉस्फाजीन ड्रॉ करते हैं तो इसका जनरल फार्मूला जो Pn2HX है इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट। इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जब हम PCl5 को अमोनिया के साथ फ्यूज़ करते हैं तब हमारे पास प्रेपरेशन किसकी होती है? फॉस्फाजीन की, जो मेन हमारा डिस्कशन है आज की। सेफ्टी वॉल फॉर द एस्केप ऑफ HCl इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर। तो ये इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि अमोनिया जो और PCl5 जब रिएक्ट करके PnCl2, दैट इज़ फैमिली, हमारी फॉस्फाजीन की फैमिली है, तो HCl गैस इवॉल्व होती है। उस HCl गैस को इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर वी हैव प्रोवाइडेड अ वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व फॉर द एस्केप ऑफ HCl गैस। तो हमारे पास स्ट्रक्चर फिर से अगेन वैसे ही है जैसे हमने पिछली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं हम बोराजीन को, वैसे ही हमारे पास आज सिमिलर कंपाउंड है फॉस्फाजीन। तो इसकी फैमिली का डिफरेंस क्या है? PnCl2, वहाँ पर क्या था? B3N3H6, मतलब H इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सबके ऊपर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड्स हैं? 5। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के पास किसकी अवेलेबिलिटी है? 3D ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसके बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास वैसे ही अरेंजमेंट कैसे करेंगे जैसे हम बेंजीन में करते हैं, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। यहाँ पर बस फ़र्क इतना है, जब वहाँ पर पिछली बार क्या था, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड भी था, यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये अच्छा लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, दोनों के दोनों किसके ऊपर अटैच हैं? फॉस्फोरस के साथ। अब इसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ प्लेनर 6-membered ring। ये प्लेनर 6-membered ring हैं। द बॉन्ड एंगल आर कंसिस्टेंट विद sp2 hybridization ऑफ नाइट्रोजन एंड अप्रॉक्सीमेटली sp3 hybridization ऑफ फॉस्फोरस। तो अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या चल रही है? sp2 प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक लोन पेयर है, और पाई बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट कंसीडर नहीं करते। तो इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। सिमिलरली फॉस्फोरस को अगर ऑब्जर्व करें तो फॉस्फोरस के अराउंड कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। और फॉस्फोरस में क्या है, अवेलेबिलिटी किसकी है? 3D ऑर्बिटल की। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक लोन पेयर एज सच हमारे पास वेकेंट है। द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर यूज फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, लीविंग अ 5th इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई डी ऑर्बिटल। इसका जो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। जो 5th बॉन्ड है वो डी ऑर्बिटल की इंटरफेरेंस से बना हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं? dpi-pi बॉन्ड। However, the structure reveal that it is planar, but this is not so. देखने में ये structure हमें क्या appear होगी? Planar appear होगी, लेकिन ये structure planar नहीं है क्योंकि phosphorus की hybridization क्या है? sp3 है। Normally जब हमारे पास planar molecule होता है, जैसे हमारे पास benzene को अगर ध्यान से observe करें तो benzene की hybridization sp2 है, तो वो structure क्या है? Properly planar है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास tetrahedral की involvement की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गई? डिस्टॉर्टेड है। द पाई बॉन्डिंग इन साइक्लोफॉस्फाजीन इन्वॉल्व dpi-pi ऑर्बिटल ड्यू टू मिसमैच इन साइन ऑफ वेव फंक्शन रिजल्टिंग इन अ नोड। इसे ध्यान से समझो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास देखो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नाइट्रोजन का ऑर्बिटल,
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है? डी ऑर्बिटल। तो हमारे पास ऐसे कितनी अरेंजमेंट ज्वाइन हो जाएंगी? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अभी हमने इसे वेव फंक्शन को साइन नहीं दिया। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव से स्टार्ट करती हूँ और अगर मुझे पाई बॉन्ड शो करना है तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये पूरी लोब डी ऑर्बिटल में क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो बॉन्डिंग हो गई। अभी यहाँ पर मुझे बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो बॉन्डिंग क्या होगी? अब हमारे पास ये पूरी लोब पॉजिटिव, ये पूरी लोब नेगेटिव। अब फिर से बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अभी ध्यान से देखो, अगर ये रिंग हम इस ये फॉस्फोरस हमारे पास क्या है? अभी हमने फॉस्फोजीन में स्ट्रक्चर देखी, स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज्ड है। मैंने इसे क्या ड्रॉ किया? ओपन, यानी कि इस फॉस्फोरस को इस नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन करना है। लेकिन अगर हमने इस फॉस्फोरस को इस नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन करना है तो हमारे साइन क्या हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या क्रिएट करेंगे? नोड क्रिएट करेंगे। तो यही इस लाइन में समझाया हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोड यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो गई? जो पाई बॉन्डिंग, बेसिकली हम पाई बॉन्डिंग स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर कोई भी ओवरलैपिंग जोन नहीं बन रहा। ये ओवरलैपिंग जोन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बेसिकली हमारी सेंटर से पास कर रही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग जोन अगर बनते हैं तो वो पाई बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजन आपस में क्लोज रिंग की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या रिवील होगा? एक नोड मिलेगा। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन क्या हो गई? पूरी प्रॉपर रिंग में नहीं रही, डिस्टॉर्ट हो गई। इसका मतलब हमारे पास इसकी एक्चुअल बॉन्डिंग फिर कैसी हो गई? आइलैंड मॉडल। इसे आइलैंड बॉन्डिंग बोलते हैं। आइलैंड मॉडल का मतलब क्या है? हमारे बस तीन तीन मतलब दो दो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के ऊपर ओवरलैपिंग डीलोकलाइजेशन हो रही है ताकि हमारा जो डिस्टॉर्शन, जो नोड बन रहा है उसे अवॉइड करने के लिए बॉन्डिंग हमारे पास ऐसी हो गई, एक क्लोज्ड रिंग की बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बोराजीन से भी कम है और बेंजीन से भी कम है। द दीवार एंड हिज को वर्कर्स ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ थ्री सेंटर बॉन्ड अबाउट ईच नाइट्रोजन, द स्कीम समटाइम्स कॉल्ड आइलैंड मॉडल। तो हमें किस बॉन्डिंग पर सेटिस्फाई करना पड़ा? ऐसी बॉन्डिंग पे जहाँ पर एक ही नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो, थ्री सेंटर बॉन्ड जैसा लगे, जिसे हम आइलैंड मॉडल बोलते हैं, विच रिजल्ट इन द डीलोकलाइजेशन ओवर सेलेक्टेड थ्री एटम सेगमेंट ऑफ द रिंग। तो इसी तरह से फिर हमारे पास ऐसे तीन सेगमेंट बन गए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? तीन है, तो उसी अराउंड हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वैसे ही हमने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वही बॉन्ड एंगल का डिस्कशन किया हुआ है कि इसका बॉन्ड एंगल 119.6 है, जो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो 119.4 है, जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 101.9 डिग्री है, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है फॉस्फोरस और क्लोरीन बॉन्ड की वो 2.04 एंगस्ट्रम है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या है 1.60 एंगस्ट्रम है। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर का रिवील है, इसका इतना वो नहीं है। द टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोजीन इज मोर फ्लेक्सिबल देन दोज ऑफ ट्राइमर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ NPF2 इज प्लेनर एंड फाउंड वेराइटी ऑफ कन्फर्मेशन अबाउट बोट टब चेयर क्राउन सेडल, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्ले अ मेजर रोल। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, मतलब ये ट्राईमेरिक है, मतलब तीन तीन के साथ हमने एक क्लोज रिंग बनाई हुई है। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर में चार स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज होंगे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तो उस स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है। ट्राईमेरिक हमारी प्लेनर नहीं है। ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? जैसे हमने बोराजीन में किया था वो चेयर फॉर्म में चेंज हो गई थी, वो स्टेपल थी उसमें, उसी तरह ये भी टब भी बन जाती है, चेयर, बोट, क्राउन और सेडल शेप, कोई भी शेप से ये अपने आप को स्टेबल कर लेगी, पर ये पकड़ रहेगी। अब इसकी सिंथेसिस डिस्कस करते हैं, इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। पहले वैसे ही द अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द PCl5 फॉर्मिंग अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट बना है वो क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है और वो ब्रेक कर जाएगा एडक्ट की फॉर्म में NH.PCl3। फर्दर जो हमारे पास ये वाला एडक्ट होगा वो कंडेंस होएगा विद द लॉस ऑफ HCl मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी? फॉस्फोजीन। ये पहला मेथड है।
सेकेंड मेथड क्या है, हम एस फोर एन फोर, हमने वन डायमेंशनल कंडक्टर्स किए थे, एस फोर एन फोर को जब हम एस ओ सी एल टू के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पी सी एल थ्री, तब भी हमारे पास क्या जनरेट होती है, फॉस्फाजीन। थर्ड जो हमारे पास मिक्सचर फॉस्फोनाइट्रेलिक क्लोराइड का है उसमें क्या है, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा सिंपल है और ईजी है रिमेंबर याद करने के लिए। पी सी एल फाइव को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पी एन सी एल टू थ्राइस, जिसकी हम बात कर रहे हैं फॉस्फाजीन की, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स, वैसे ही ये ट्राइमेरिक फॉर्म हमने बनाई है। अगर आप पी सी एल फाइव का मॉलिक्यूल और अमोनिया के मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करते हो तो हमारे पास क्या होती है, टेट्रामेरिक फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड मिलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज़ क्या है, द ट्राइमर मेल्ट एट 114 डिग्री सेल्सियस, बॉल्स एट 256, ये उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन है। इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। द टेट्रामर हैज़ लोअर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट्स देन ट्राइमर, जो इसका टेट्रामर है उसकी लोअर सॉल्युबिलिटी है। दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग नेचर। इन एक्शन ऑफ हीट क्या है, ऑल दीज कंपाउंड्स व्हेन हीटेड एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक रबर लाइक फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो इनका क्या है, जब आप 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसे हीट करते हो तो ये रबड़ की फॉर्म में चेंज हो जाती है और इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पॉलीमराइजेशन क्या है, द पॉलीमराइजेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स बिगिन एट 250 डिग्री सेल्सियस इंस्टेंटेनियस एट अबाउट 360 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है लेकिन इंस्टेंटेनियसली फास्ट हो जाती है 360 डिग्री सेल्सियस पर। एसिड और अल्कली का क्या एक्शन है, दे आर रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ एसिड और अल्कली इवन वेन बॉयल्ड, जब भी आप इन्हें बॉयल भी करते हो तो भी ये रेजिस्टेंस शो करते हैं टूवर्ड्स एसिड और बेस। द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एटम्स, दे आर लेस रिएक्टिव दैन नॉर्मल एसिड क्लोराइड एंड द रिंग इन द कंपाउंड सर्वाइव द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाई वेरियस अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिटेंट, ये लेस रिएक्टिव है दैन नॉर्मल एसिड्स। अब हमारे पास है इसकी केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन क्या है, जब इसका सोडियम इथाइल एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या है, हमारे पास जो फॉस्फाजीन का कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, एन एस सी एल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास ओ सी टू एच फाइव क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर अटैचमेंट करनी है तो यहाँ पर ओ सी टू एच फाइव अटैच हो जाएंगे सारे के सारे, बेसिकली ये क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब क्या होगा, जब आप 200 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब है इंटरनल, जो रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, इंटरनल रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट व्हाइल वी प्रोवाइड द हीट। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान से देखो, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में एक ही करके दिखाती हूँ फिर समझ आ जाएगा। फॉस्फोरस, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमारे पास बना हुआ है बॉन्ड सी टू एच फाइव का। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक नाइट्रोजन भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ओ सी ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये वाला जो हमारे पास डेंट स्पीशीज़ होगा इसको कौन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में कैसे ऑर्डर होगा, ये नाइट्रोजन फॉस्फोर ये वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आप कैसे शो करोगे, ये वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए और ये जो मॉलिक्यूल है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, तो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ गई, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, एक ऐसा अच्छी रहेगा और जो एक के साथ माइग्रेशन हुई थी नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, सी टू एच फाइव। अगेन इसका स्ट्रक्चर क्या, एस पी टू है, लोन पेयर जो क्या है वो यूटिलाइज हो गए। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के लिए हम इसकी रिएक्शन टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ली हुई है, थोड़ी फास्ट होती है वो एज़ कम्पेयर टू ट्राइमेरिक क्योंकि वो प्लेनर है। यहाँ पर एट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हमारे पास फिर से एच सी एल रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास ओ एच OH के साथ सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास जब भी दो OH विसिनल पोजीशन पर हों वो अनस्टेबल नेचर के होते हैं, तो अगर आप इसे रीअरेंजमेंट भी सिंपल लिखोगे तो भी सही है क्योंकि ये दोनों अनस्टेबल हैं यानी कि ये वाटर रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो P डबल बॉन्ड OH
इंटू एन एच, तो हमारे पास फिर से इन्होंने वही आइसोमेरिक चेंज किया हुआ है, या तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता तो पी डबल बॉन्ड ओ आ जाता और एन एस सच ही रह जाता, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, फिर से आइसोमेरिक चेंज जैसे यहाँ पर किया था, हाइड्रोजन का शिफ्ट कर दिया नाइट्रोजन के टुवर्ड्स, तो हमारे पास पूरे का पूरा मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गया, इसी फॉर्म में। बट इन ट्राइमर पार्शियल हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस वाइल द आइसोमेरिक चेंज, तो सिमिलर वे में ये स्लो प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से HCl मूव हो गया, फिर से आइसोमेरिक चेंज हुआ और हमारे पास ये रादर स्लो है, क्योंकि वो वाली स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर प्लेनर है और इसकी शेप क्या है, प्लेनर नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जब भी हमारे पास ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इस पर अटैक करती है तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास तीन ही नाइट्रोजन है और तीन ही हम इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक एडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिमिलर वे में HClCOLO4 नेगेटिव, तो वैसे ही हमारे पास ये वाला एडक्ट भी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर P3N3Cl6 को जब हम लेड फ्लोराइड के साथ अटैक करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फाजीन कैन बी पॉलीमराइज इन मैनी इंस्टेंसेज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अबव 300 डिग्री सेल्सियस इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है और ये एक पॉलीमर की फॉर्म में चेंज हो जाती है। उस पॉलीमर की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे सबसे पहली एडवांटेजेस है वी यूज इट इन एज अ वाटर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ फैब्रिक और ऑयल एडिटिव्स प्लास्टिसाइजर, तो ये क्या है, हम इससे फ्लेम प्रूफ फैब्रिक तैयार करते हैं। जैसे कई जगहों पर, जैसे माइनिंग या कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग इवॉल्व होती है, तो वहाँ पर हमारे जो ड्रेसेस या जो यूनिफॉर्म अलॉट होती है वो फ्लेम प्रूफ होती है, तो वहाँ पर जो यूनिफॉर्म वो किस फैब्रिक की होती हैं, फॉस्फाजीन के पॉलीमर्स की। दीज एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर। These compounds have been obtained including fluids for lubrication. Thin films of polyaminophosphazine are used in hospitals to cover severe burn and for other extensive wounds since they prevent the loss of body fluids. तो इनका क्या फ़ायदा है कि जैसे कई बार बहुत ज़्यादा डिग्री का बर्न हो जाता है और हमारे वाउंड्स जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, तो तब उस टाइम पर इसकी फॉस्फाजीन पॉलीमर्स की जो लेयर होती है वो रैप कर दी जाती है वहाँ पर इफेक्टेड एरिया पर, सो दैट जर्म्स का फर्दर अटैक ना हो और बॉडी क्या करने लग जाए, रिकवर करने लग जाए। तो यहाँ पर नाउ एज वी नो दैट द प्राइमेरिक फॉस्फाजीन पॉलीमराइज थर्मली, तो यहाँ पर हमने वैसे ही उसे हीट प्रोवाइड किया और हमारी क्या हो गई, हमारे पास इसकी पॉलीमराइजेशन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इफ़ वी डन दिस केयरफुली एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, अदरवाइज हमारे पास क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, यानी कि नीचे भी लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी और ऊपर की तरफ भी। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर सिंगल चेन ही चलती रहे तो हमें थोड़ी सी केयरफुल के साथ हीट प्रोवाइड करनी होती है ताकि यहाँ पर दोबारा से पॉलीमराइजेशन अबव और क्रॉस लिंकिंग पॉसिबल ना हो। हम नेक्स्ट कौन से पॉलीमर्स अरेंज कर सकते हैं, जैसे सोडियम एल्कॉक्सी ग्रुप के साथ हम अगर हम रिएक्ट करवाएं, तो हमने रिएक्शन किया था कि सोडियम के साथ NaCl इवॉल्व हो जाता है और OR ग्रुप जाकर फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाता है, तो वैसे ही हम उसे पॉलीमर की फॉर्म में भी चेंज कर। अभी यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हम साइड चेन को वेरी करते रहेंगे और हमारे पास वेरियस फॉस्फोजीन पॉलीमर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, जिन्हें हम प्लास्टिक फिल्म और फाइबर्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर टेंड टू बी फ्लेक्सिबल एट रूम टेम्परेचर, वाटर एंड फायर रेजिस्टेंट, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये फ्लेक्सिबल हैं, वाटर रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट हैं। दीज फ्लोरो एल्कॉक्सी सब्सटीट्यूटेड पॉलीमर आर सो वाटर रिपेलेंट इवन दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द लिविंग टिश्यूज टू बी यूजफुल इन फैब्रिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या है, जब हम इस आर को किससे सब्सिट्यूट कर देते हैं, फ्लोरीन के साथ, तो ये इतना बेटर रेजिस्टेंट पॉलीमर जनरेट हो जाता है कि हम इसे किस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो आर्टिफिशियल टिश्यूज़ हैं, जो लिविंग विद इन लिविंग जो हम इसे ओपन एयर में या प्रोवाइड करें तो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इतने इनर्ट हो जाते हैं। ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट हाइड्रोलिटिकली सेंसिटिव फॉस्फाजीन दैट मे बी यूजफुल फॉर मेडिकली एज स्लो रिलीज ड्रग।
तो इसमें क्या है, हमारे पास जो वेरियस ड्रग्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, फॉस्फाजीन की हमारी जो यूनिट्स है, जो बेसिकली हम आर ग्रुप को वेरी करके ऐसा ड्रग जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हमारी बॉडी में ऐसा बैक्टीरिया जनरेट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में उस डिसीज़ के फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके रेट को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो उसका जो एल्साइड चेन होता है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, फॉस्फाजीन पॉलीमर से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी शेप और साइज़ के हमें बैक्टीरिया को सिमिलर से अपीयर होंगे। तो जैसे ही बैक्टीरिया इसे रेप्लिकेट करने के लिए इसके साथ अटैच होगा, तो वहीं पर वो उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वेरियस ड्रग्स हैं वहाँ पर हमने फॉस्फाजीन की यूनिट्स क्या कर दिए हैं, अटैच कर देती हैं, सो दैट कि उसे अपीयर हो कि ये कोई सिमिलर यूनिट तैयार हुई है, लेकिन ये क्या है, एक ड्रग की तरह काम करेगी जो मेडिकल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट, द मटेरियल्स कंटेनिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमरिक बैकबोन ऑफन यूजफुल इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज कर। वन वे टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर इज टू मेक चेंजेस इन देयर बैकबोन। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी या इसकी इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल कंडक्टिविटी या इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ में वेरी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन को बार बार यहाँ क्या बोला जा रहा है, बैकबोन, कि हमारा जो स्टार्टिंग रिएजेंट है अगर हम उसे चेंज कर दें तो हमारा पूरा पॉलीमर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके एक ग्रुप को, हमारा फॉस्फोरस के एक को कार्बन के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो अब रिंग बनेगी, ये इस रिंग में अगर हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। तो इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या कर दिया हमने, वेरिएशन कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।